Hi guys, in this video we look at detailed information with regards to the CLAT syllabus. So agar aap CLAT 2024 target kar rahe ho, so watch this video very carefully and share this to all your friends so that they should also be benefited from this video. Exam aapka December month mein hoga aur admission process chalega aapka 2024 tak. All right, before I proceed, we have launched Manuver Law Entrance channel जहाँ पे आपको law specific videos मिलेंगे. अगर आप Manuver Law Entrance channel पे ये video देख रहे हो तो subscribe कर लो. But अगर आप ये video Manuver Education channel पे देख रहे हो तो link मैंने description में दिया हुआ है, kindly subscribe this channel. बाकी preparation को लेकर के classroom coaching, if you are Mumbai based, Dadar, Borivali, Vasai and Thane you can visit. But if you are not Mumbai based, you can check out our online live classes. So all this information I have mentioned in the description. For social media handles, kindly check the description. Alright, so अगर CLAT का exam crack करना है आपको तो सबसे ज़्यादा काम जो करना है आपको वो रीडिंग पे करना है, बिकॉज मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है ये. आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए एंड रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए ओवरऑल सिलेबस में. तो सबसे पहले जो सिलेबस है वो इंग्लिश का सिलेबस है. 28 से 32 क्वेश्चन का ब्रैकेट है. क्वेश्चन का टाइप जो होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टोन वाले क्वेश्चन, मेन आइडिया वाले क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन, ऑथर वाले क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग के आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, पैराग्राफ कंप्लीशन, पैरा जम्बल, पैराग्राफ समरी, ये तीनों टाइप आपका कैट में भी आता है. ठीक है, सो क्लैट का एग्जाम अभी कैट लेवल का एग्जाम बना दिया है उन्होंने. वो कैप और फ्रेजेस को लेके बुक है एक, वर्ड पावर मेड इजी. वो कैप को लेके दिस इज वॉट द बुक यू कैन गो थ्रू, दिस इज द रेड कलर बुक, वर्ड पावर मेड इजी. तो ये अमेजोन से ऑर्डर कर लेना, रेड कलर वाली ऑर्डर करना. इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर वर्ड लिस्ट भी लास्ट में दिया हुआ है रेड वाली बुक में. ठीक है, तो 46 के आसपास सेशन है. मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करो और सैटरडे संडे रिवाइज करो. तीन महीने, ढाई तीन महीने में बुक पूरी कवर हो जाएगी आपकी. एक सेशन करने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा. और हाँ, सेशन के लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको अच्छे से कर लेना. ठीक है, ग्रामर को लेके फिगर ऑफ स्पीच, टेंसेज एंड पार्ट ऑफ स्पीच, ये तीन एरिया पे काम करना है अपने को. तो इंग्लिश में अगर स्कोर लेके आना है जितना हो सके रीडिंग पे काम करना चालू कर दो. अभी रीडिंग में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहला काम तो द हिंदू का न्यूज़पेपर, और ये पेपर आप हो सके तो स्क्रीन पे पढ़ो, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप पे पढ़ो, बिकॉज एग्जाम आपका कंप्यूटर पे होने वाला है. हो सके तो मोबाइल पे मत पढ़ना, बिकॉज एग्जाम कंप्यूटर पे है. तो या तो हार्ड कॉपी मंगा लो, अंडरलाइन करके पढ़ो, या तो फिर कंप्यूटर पे पढ़ो. वन मोर न्यूज़पेपर आई विल बी रिकमेंडिंग, द न्यूयॉर्क टाइम. ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम जो आता है इनका पेपर, ये भी अच्छी, इसमें भी जो इंग्लिश का लेवल है वो दैट इज अगेन डिसेंट लेवल. जितने लोग कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, द हिंदू एंड न्यूयॉर्क टाइम. ठीक है, तो ये दो न्यूज़पेपर रीड करना चालू कर दो. इसका एडिटोरियल पेज तो मस्ट है दोनों का. ठीक है, तो ये जो इंग्लिश के ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके मैन्यूवर के जो वीडियोस दिए हुए हैं उसके अंदर सारे टाइप्स कवर किए हुए हैं. सो डू वॉच ऑल द वीडियोस, देन स्टार्ट सॉल्विंग द कॉम्प्रिहेंशन. ऑलराइट, सो इंग्लिश को लेके आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा. ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन में जो वीडियो वाला पार्ट है मैन्यूवर, अगर आपने ज्वाइन किया है क्लासरूम या लाइव क्लास, तो इंग्लिश के सेक्शन में जा करके यहाँ पे टाइप्स ऑफ टोन, ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ ऑथर, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, मेन आइडिया, ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद समरी वाले, क्रक्स वाले, अजम्पशन वाले क्वेश्चन, लॉजिकल स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन, मस्ट बी ट्रू वाले टाइप के क्वेश्चन, ऑल दिस वीडियोज आर देयर. काइंडली वॉच दिस वीडियो देन स्टार्ट सॉल्विंग दी आरसी. प्रॉब्लम ये होता है इंग्लिश में स्कोर ना आने का कि समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. पैराग्राफ तो समझ में आ गया, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं ऑप्शन मार्क क्या करूँ, वो समझ में नहीं आता. सो उसके लिए हर क्वेश्चन का टाइप आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा मतलब इसका मतलब क्या है और मुझे आंसर क्या करना है. ठीक है, जो स्टडी मटेरियल के लिए आप मैन्यूवर का बुक रिफर कर सकते हो, दैट इज द वन. इसके बाद आपके डैशबोर्ड पर लॉग इन करना, आरसी को लेकर 500 क्वेश्चन का हैंड आउट्स है एंड इन सारे क्वेश्चन टाइप को लेकर के इन योर टॉपिक टेस्ट इन योर फुल लेंथ मॉक. क्लैट को लेकर 20 मॉक वी हैव लॉन्च, सो काइंडली गो थ्रू ऑल दिस मॉक. ठीक है, सो दिस इज वॉट द सेट ऑफ बुक यू विल बी गेटिंग, 5 सेट ऑफ बुक. सो इफ यू वॉन्ट टू ऑर्डर द बुक्स, काइंडली ऑर्डर इट विद इन वर्किंग 7 डेज, आपके घर पे बुक कुरियर हो जाएगी, आप इंडिया में कहीं पे भी हो. ठीक है, जीके को लेकर के हो गया आपका, फिर लीगल हो गया आपका, रीजनिंग हो गया आपका, इंग्लिश हो गया एंड मैथ्स हो गया. तो ये 5 सेट ऑफ बुक आपको मिलेगी, यू कैन ऑर्डर दिस बुक. नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, ये स्कोरिंग सेक्शन है. 28 से 32 क्वेश्चन आएंगे. मेजर चंक्स आपके क्रिटिकल वाले से आने वाले, वर्बल एंड क्रिटिकल, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्लुएंस. सो अगेन आपके जो मैन्यूवर की बुक्स हैं उसमें से प्रैक्टिस कर डालो, मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ. बाकी एनालिटिकल लॉजिक को लेकर के सारे अरेंजमेंट की प्रैक्टिस,
तो अगेन तो बुक में से करना है, मॉक में से करना है, हैंडआउट्स लॉग इन करो आपके डैशबोर्ड पे, देर आर हैंडआउट्स, वहां से प्रैक्टिस कर डालो। सारे क्वेश्चन आपको मिनिमम 2 to 3 times प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और लॉजिक स्कोरिंग है, अगर आपको पता है कि क्रिटिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है और यहाँ पे अप्रोच अच्छा है तो आप अच्छा करोगे यहाँ पे। सो क्रिटिकल को लेके कंप्लीट वीडियोज आर देयर ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल अगेन, एंड अरेंजमेंट को लेके भी, बाकी आपके लेक्चर्स में ऑल दिस टॉपिक विल बी कवर्ड। नेक्स्ट इज जीके एंड करंट अफेयर्स, 35 to 39 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, वेटेज ज़्यादा है, बट हाँ इसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्लैट को लेके वीडियो वी हैव ऑलरेडी मेड, सो काइंडली वॉच दिस वीडियो, आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि एग्जाम में आए। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली वॉच दैट वीडियो। इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ को लेकर के क्वेश्चन, मतलब आपको एक पैराग्राफ देंगे और पैराग्राफ रीड करना है, फिर उसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब वो स्टैटिक फॉर्म में भी बन सकता है, करंट अफेयर्स फॉर्म में भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, 13 to 17 क्वेश्चन, वेटेज कम है मैथ्स का, तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी टेंशन नहीं लेना, वेटेज ज़्यादा नहीं है। प्लस अपने को सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ईजी लेवल का क्वेश्चन आता है, अरिथमेटिक्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, फॉलोड बाई डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी DS, ठीक है। ये दो एरिया मेजर हैं जहाँ से आपको मेजर क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी मॉडर्न मैथ्स ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन के इजी लेवल वाले क्वेश्चन आपको देख के ले लेना है। तो मैथ्स के अंदर पहले तो आप कैलकुलेशन पे काम करो, आपका बेसिक कैलकुलेशन इंटैक्ट है, फिर कंसेप्ट पे काम करो, एक बार कंसेप्ट क्लियर है फिर प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ये चार पार्ट में आपको मैथ्स को सॉल्व करना है, ठीक है। सो ऑन योर डैशबोर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सारे वीडियोज़ देख के खत्म करो, ऑल दिस टॉपिक्स वीडियोज़ आ गया, फिर आपका ज्योमेट्री भी है, मेंस्ट्रुएशन भी है, you can watch all these videos, ठीक है। So once you join the batches, do take the access of all the video lectures, all the test series and your booklet, ठीक है, जो study material है आपका। And lastly your legal reasoning, जहाँ पे more of understanding and judgment वाले जितने भी recent judgment है उसको go through कर लो, 35 to 39 question यहाँ से आएंगे from all these area। तो again इसके अंदर भी fact principle वाले question होंगे, सब कुछ paragraph में दिया रहेगा, वहाँ से आपको find out करना है answer। सो ऑल द लेक्चर्स विल बी टेकन केयर लीगल को लेकर के, बट ये मत सोचो कि यार मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है लीगल का तो मेरा कैसे लीगल क्रैक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर लीगल में है और आपका इंटरेस्ट है तो आप आराम से लीगल के सेक्शन में अच्छा करोगे, ठीक है। सो दिस इज वॉट अबाउट दिस सिलेबस। प्रिपरेशन वाइज पहले आपके फाउंडेशन पे काम करो, बेसिक थियरी कैलकुलेशन पे काम करो, ठीक है। उसके बाद लर्न एंड इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस शॉर्टकट टेस्ट लिखो, टॉपिक टेस्ट, उसके बाद फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट टॉपिक टेस्ट लिखो, उसकी एनालिसिस करो। तो ये टेस्टिंग फेज है, फेज 3, दिस इज माय फेज 1, दिस इज माय फेज 2, दिस इज माय फेज 3 एंड फेज 4 इज स्कोर मैक्सिमाइज करो, स्कोर मैपिंग पे काम करो, स्ट्रैटेजी चेंज करो, तो ये सब चीज़ों पे काम करना है अपने को, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड, जितने लोग क्लैट 2024 या तो फिर क्लैट 2025 टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज प्रायर प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड इफ रियली वॉन्ट टू क्रैक क्लैट एंड वॉन्ट टू एंड अप विद द बेस्ट लॉ कॉलेजेस फॉर योर करियर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।